नमस्कार, मैं आशुति वोरा, आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज़। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री इतनी कमाल है कि जब भी वे मिलते हैं तो सोशल मीडिया पर आग लग जाती है। मोदी के प्रशंसक हो या विरोधी, दोनों ही इन तस्वीरों और वीडियोस को शेयर किए बिना नहीं रह पाते। दोनों में समानताएं ऐसी हैं कि दोनों ही दक्षिणपंथी नेता हैं और वामपंथ के घोर विरोधी हैं। दोनों ही लोकतांत्रिक मर्यादाओं में भरोसा रखने वाले हैं और दोनों ही अपने देश की जनता के बीच लोकप्रिय हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और मेलोनी जब जब मिलते हैं, इटली और भारत के बीच रिश्तों की डोर और मजबूत होती दिखाई देती है। शुक्रवार को भी जब यूएई में आयोजित COP28 शिखर सम्मेलन में जॉर्जिया से पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो हर और चर्चा का बाजार गर्म हो गया। इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल भी हो गया। ये वीडियो दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे संबंधों की एक तस्वीर मात्र भर नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन दुश्मन मुल्कों की टेंशन बढ़ाने वाला भी है जो भारत को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। मोदी और मेलोनी की ये शानदार मुलाकात ये भी बता रही है कि भारत और इटली के बीच सामरिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच दोस्ती कितनी गहरी और मजबूत है, इसकी बानगी ये वीडियो है जिसमें पीएम मोदी और मेलोनी के बीच की केमिस्ट्री देख दुनिया हैरान हो रखी है। यहाँ मोदी और मेलोनी मिल रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं, लेकिन ये देखकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सीने पर सांप लौट रहा होगा, क्योंकि जो चीन भारत के साथ ही दुनिया पर राज करने की मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजा रहा है, उस चीन के लिए ये वीडियो तगड़ा झटका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेलोनी और मोदी की मुलाकात से जिनपिंग आखिर क्यों इतने परेशान हैं और उनसे इसका क्या मतलब। तो आपको बता दें कि भारत और इटली के बीच लगातार मजबूत हो रहे संबंध चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि हाल ही में इटली ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हटने का ऐलान किया था। खास बात यह है कि चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट से दूरी बनाने वाली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में दिलचस्पी भी दिखाई थी। ये कॉरिडोर भारत, अमेरिका और यूएई के बीच होगा, जिसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से भी माल निर्यात किया जाएगा। आपको बता दें कि इटली ने चीन के BRI प्रोजेक्ट पर 2019 में हस्ताक्षर किए थे। जब जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम बनी तो उन्होंने इसका विरोध किया था। सितंबर माह में जब इटली के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर गए थे तो उन्होंने सबसे पहले BRI से हटने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद पीएम मेलोनी ने खुलकर इस बात का ऐलान किया था कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहती हैं, क्योंकि इटली को इस परियोजना से कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस ऐलान के बाद चीन ने मेलोनी को मनाने के लिए पीएम ली क्यांग को भारत भेजा था और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई थी, लेकिन चीन की सारी कोशिश बेकार साबित हुई। उल्टा भारत को मेलोनी पर ऐसा जादू चला कि वो भारत दौड़ी दौड़ी चली आई। इसी साल मार्च माह में आयोजित रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में पीएम जॉर्जिया मेलोनी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। तब दिल्ली में उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर संयुक्त प्रेस वार्ता भी की थी। इसमें मेलोनी ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे चहीता नेता बताया था। मेलोनी ने कहा था कि ये साबित हो चुका है कि पीएम मोदी कितने बड़े लीडर हैं। मेलोनी की बात सुनकर पीएम मोदी मुस्कुराते हुए भी नजर आए थे। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत और इटली के बीच 75 साल से राजनीतिक संबंध है, लेकिन रक्षा संबंध नहीं रहे, अब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसी मुलाकात में भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज का भी ऐलान किया गया था और तभी से मोदी और मेलोनी के बीच संबंध शुरू हुए थे और इटली के साथ भारत के सामरिक रिश्ते भी मजबूत हुए थे, जो चीन के लिए परेशानी का सबब है। इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।